और एक बड़ी खबर, कन्नौज रेप केस से जुड़ी हुई पीड़िता की बुआ को गिरफ्तार कर लिया गया है। भागने की फिराक में थी आरोपी बुआ, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। नवाब सिंह यादव मामले को लेकर सहयोगी भी इसे बताया गया। पुलिस और एसओजी को बड़ी कामयाबी मिली है। अपने मायके तिरवा के रामपुर बिनौरा गांव ये जा रही थी बुआ। रास्ते से जैसे ही यहां पर गुजर रही थी तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुबह 5 बजे आरोपी बुआ की गिरफ्तारी हुई है। नाबालिग भतीजी के रेप के आरोप में बुआ पर साजिश करने का आरोप है और बताया जा रहा है कि पीड़िता को उसी ने मिलवाया था आरोपी के साथ। तो कन्नौज रेप केस में गिरफ्तारी हुई है और ये बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है। आरोपी बुआ को गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए सीधा रुख करते हैं कन्नौज से। हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, लोकेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव। लोकेश इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। लोकेश, कन्नौज रेप केस में एक बड़ी गिरफ्तारी से माना जा रहा है, बुआ की क्या संदिग्ध भूमिका थी, क्या साजिश बुआ ने रची, क्या क्या फैक्ट्स अभी तक इसे लेकर पता चल पाए? देखिए, आपको बता दें, बुआ जो है उसने इस ये जो लड़की पीड़िता थी उसको बुआ ही नवाब सिंह के यहाँ लेकर गई थी, और जिसके बाद में पीड़िता के द्वारा शिकायत की गई थी डायल 112 पर, और उसके बाद में पीड़िता, बुआ और नवाब सिंह तीनों को पुलिस लेकर आई थी। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने के लिए पुलिस गई तो वहां पर यह बुआ बदल गई और इसने पीड़िता से डॉक्टरी कराने के लिए मना कर दिया। इसके बाद में पीड़िता के लोग जो है वो इंतजार कर रहे थे और पीड़िता के माता पिता का इंतजार पुलिस कर रही थी। पीड़िता के माता पिता जो है वो आए, सामने आए और उन्होंने जो है इसका बताया कि इसमें बुआ भी हमारी शामिल है, और जिसके बाद में पीड़िता के माता पिता के बताने के बाद में पुलिस ने विवेचना में बुआ का भी नाम शामिल किया, और विवेचना में नाम शामिल होने के बाद में जो पीड़िता बुआ है उसकी पुलिस तलाश करने लगी। पीड़िता बुआ 7 दिन से फरार हो गई थी। फिलहाल पुलिस को आज कामयाबी मिली, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आज कोर्ट में बुआ को पेश करेगी। बिल्कुल, बुआ के जरिए ही नवाब के साथ ये लड़की, ये जो पीड़िता है वो मिली थी, ये भी बताया जा रहा है। और बुआ क्योंकि भागने की भी फिराक में थी तो कैसे पुलिस को ये जानकारी मिली कि बुआ भागने वाली है, उसके बाद मौके पर जाकर उसे गिरफ्तार किया गया? देखिए, पीड़िता बुआ की गिरफ्तारी भागने की बात की जाए तो पुलिस जो है 6 टीमें पुलिस ने लगाई थी, एसओजी, सर्विलांस, साइबर के साथ थाने की टीमें थी जो पीड़िता बुआ की तलाश कर रही थी, और बुआ को जो तलाश कर रही थी दिल्ली प्रयागराज समेत कई जगह पुलिस जहां जहां इसके होने की संभावना थी पुलिस वहां पे पड़ताल कर रही थी। तो अभी पुलिस को सूचना मिली कि बुआ जो है वो रामपुर बिनौरा जो गांव है उसका मायका है, वहां पर वो जाने की तैयारी में है, तो तभी पुलिस ने दबिश देते हुए उस बुआ को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया लोकेश, आपने तमाम जानकारी विस्तार से दी। पुलिस क्या कह रही है मामले को लेकर, आइए सुनते हैं। 12 अगस्त 2024 को रात्रि लगभग 1:30 बजे यूपी 112 पे कॉल आई थी, जिसमें लड़की ने बताया था कि उसका टॉप उतार दिया गया और गलत काम करने का प्रयास किया गया है। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए मौके पर यूपी 112 और थाना कन्नौज की पुलिस पहुंची थी, जहां पर लड़की को बरामद किया गया। उसने टॉप नहीं पहना हुआ था। अभियुक्त नवाब सिंह यादव को आपत्तिजनक अवस्था में पाया गया, जहाँ उसे पकड़ा गया। थाना कन्नौज पुलिस पर तत्काल तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर 12 अगस्त 2024 को जेल भेजा गया। तत्समय मौके पे लड़की की बुआ भी मिली थी। शुरुआत में वो विवेचना में सहयोग करी थी, मुकदमा भी लिखाने आए थे। जब लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया था तो वहाँ पे ये विघ्न डालने लगे और सहयोग करने लगे। अगले दिन जब लड़की के माता पिता आए तो उन्होंने ये भी बताया कि इतनी बड़ी घटना हो गई थी, इन लड़की की बुआ ने इनको कोई सूचना नहीं दी, उन्होंने भी इन पर आरोप लगाए। जब इनको पूछताछ के लिए थाने पे बुलाया गया तो ये फरार हो गई। तब से ये लगातार वांछित चल रही थी। इनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी विभिन्न टीमें लगी हुई थी, दिल्ली एनसीआर एरिया में इनकी सर्च की जा रही थी। सूचना प्राप्त हुई कि ये वापस से कन्नौज के लिए आई है। सूचना पे आज थाना कन्नौज पुलिस द्वारा तिरवा क्षेत्रांतर्गत इसकी गिरफ्तारी की गई है।
अभियुक्ता ने पूछताछ में बताया है कि ये नवाब सिंह यादव को पिछले 5-6 सालों से जानती थी, इनके फिजिकल रिलेशंस भी रहे। 11 अगस्त को नवाब सिंह यादव ने इनको फ़ोन करके बुलाया था, तब इसने बताया था कि ये लखनऊ में है और इनके साथ इनके भतीजी, तब भी इनको बुलाया गया। ये रात्रि में नवाब सिंह यादव के कॉलेज पहुंचे थे जहां पे ये दुष्कर्म की घटना हुई। घटना के बाद लड़की ने पीछे से पुलिस को फ़ोन कर दिया था और यूपी 112 पे, जिसमें यूपी 112 और थाना कन्नौज की पुलिस पहुंची थी, जिसमें फिर मुकदमा लिखा गया और अभियुक्त नवाब सिंह यादव को जेल भेजा गया। अभियुक्ता ने यह भी बताया कि जब ये मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए गए थे तो वहाँ पे जो अभियुक्त का भाई है इनको प्रलोभन दिया था कि अगर ये बयानों से पलट जाए, मेडिकल एग्जामिनेशन ना हो, तो इनको पैसे दिए जाएंगे, और साथ ही कुछ लोगों के नाम लेने के लिए बताया था ताकि विवेचना को डाइवर्ट किया जा सके। इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है और इसमें साक्ष्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी, और आज अभियुक्ता जो लड़की की बुआ है उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के एक नेता की गुंडागर्दी का सनसनीखेज मामला सामने आया। इस घटना से जुड़ा हुआ एक सीसीटीवी वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, और वायरल वीडियो में समाजवादी पार्टी का नेता अमरनाथ मौर्य राइफल लेकर नगर निगम कर्मचारियों को दौड़ाता हुआ नजर आ रहा है। मामला एक पार्क पर कब्जा करने के विवाद से जुड़ा हुआ है। वायरल वीडियो में राइफल लेकर नगर निगम कर्मचारियों को दौड़ाने वाला समाजवादी पार्टी का नेता अमरनाथ मौर्य इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में फूलपुर सीट से पार्टी का उम्मीदवार भी था।